नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत जो राघोपुर प्रखंड है उसके तिरसिया ग्राम पंचायत है, उनके मुखिया हैं जी। हैं, क्या नाम हुआ आपका? पूर्व मुखिया जी। अच्छा, रामनाथ राय जी आपका नाम हुआ। इधर वोट किस तरह किधर पड़ रहा है? यहाँ लालू जी का क्षेत्र है। हाँ, यहाँ लालू जी का राघोपुर विधानसभा में सब लोग उन्हीं के इशारा पर वोट करता है। जो यहाँ दिया हुआ है लालू जी का योगदान है, किन्हीं का एक पैसा यहाँ लगा हुआ नहीं है। नौकरी हो, रास्ता हो, किसी को जीने खाने का रास्ता हो, लालू जी का दिया हुआ। लेकिन यहाँ देखिए चिराग पासवान खड़े हुए हैं। यहाँ चिराग, दूसरी तरफ पहले सवाल ले लीजिए। हाँ। एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ शिवचंद्र राम है। तो ये कह रहा है चिराग पासवान का कद बड़ा है, पूरे देश में उनको लोग जानता है। तो चिराग पासवान का दावा है कि रामदास पासवान लाखों वोट से जीते, हम भी जीत जाएंगे लाखों वोट से। यहाँ चिराग पासवान और शिवचंद्र राम का बात नहीं कर रहा है, यहाँ लालू जी के या मोदी जी के इशारा पर वोट हो रहा है। यहाँ लालू जी जिधर कहेंगे वहीं वोट होगा। राघोपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे हर साल, कहाँ चला गया उनका नौकरी? हर आदमी के खाता में 15 लाख रुपया आएगा, कहाँ चला गया रुपया? आज नौजवान पढ़ाई छोड़ दिया कि हम पढ़ेंगे या नौकरी सरकार देगा ही नहीं। कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, जो काम बच गया वो कर देंगे। ये सब झूठ बात है। देखिए, भाजपा भा से भारी, ज से झूठ, और पार्टी से पार्टी, भारी झूठा पार्टी। ये जिसका नाम भाजपा है, यही भारी झूठा पार्टी है। उसे लिखा हुआ है भाजपा, पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात मानिए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं मान लिए, लेकिन जो भाजपा का मुख्य एजेंडा रहता है वो मन से बार बार कहते हैं कि अगर आ गया लालू राज या आरजेडी राज, जंगलराज आ जाएगा। नीतीश कुमार जो वो है, मन से ये कह देते हैं कि लड़का जो यूथ रहता है कि बाप से पूछना क्या था, तो क्या कहिएगा भैया? आज लालू जी के तरफ है तो उनके यहाँ ईडी जा रहा है, सीबीआई जा रहा है। यही आदमी अगर उनके पार्टी में चला जाता है तो कहाँ गया ईडी, कहाँ गया सीबीआई? क्या नीति हुआ, क्या विकास हुआ, क्या बात करेंगे राजनीति का? जो आदमी लालू जी की पार्टी में है तो ईडी बहाल हुआ कि उनका जांच होगा संपत्ति का। अब वही आदमी अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में जाता है तो ईडी घर बैठ गया। क्या नरेंद्र मोदी जी के पार्टी बोले कि जांच तो चल ही रहा है, किसी को नहीं छोड़ेंगे? नहीं, ये जांच, ये गलत बात है, ये सब झूठा बात है, ये सब बात झूठा बात है। कहां जांच चल रहा है? यहाँ केजरीवाल के बंद कर दिया गया, विरोधी के, अरे जब विरोधी ना रहेगा तो सरकार कौन बात की है? शिबू सोरेन के मोदी जी कह रहे हैं जितना परिवारवाद वाला पार्टी है, जितना लोग करप्शन करता सब एक मंच पर आ गया है। जो करप्शन करता वही भाजपा में अभी है। अगर ईडी सही से जांच कर जाए तो जो भाजपा में वही करप्शन करता है। तानाशाह का राज है, तानाशाही राज है, अंग्रेज का राज है। मोदी जी इस बार 400 पार जी? नहीं नहीं, गलत बात है, 400 पार देख लीजिएगा। अगर बेईमानी नहीं हुआ तो 100 पार नहीं करेगा। ये गलत बात है। अब मान लीजिए 400 आ गया, फिर बोलेगा बेईमानी कर लिया। नहीं, नहीं, अगर बेईमानी नहीं हुआ तो 100 पार करना मुश्किल। तो मतलब सेफ जोन में खेल रहा है, अगर 400 आ गया तो बोलेगा कि बेईमानी करके लाया है? नहीं, आप भी जान जाइएगा, आप भी दुनिया के खबर लेते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपसे कोई बात छिपा हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, आपसे एक बात पूछते हैं। सम्राट चौधरी जी कुशवाहा के बड़े नेता हैं, प्रमोट किया जा रहा है उनको, बिहार का योगी लोग बोल रहा है। वो लगातार लालू परिवार पर हमलावर हैं, यहाँ तक कह दिए कि देखिए किसी को नहीं छोड़ते हैं, किडनी लिए तब बेटी को टिकट दिए, किसी को नहीं छोड़ते हैं, खूब बवाल भी हुआ। क्या कहिएगा सम्राट चौधरी को? लालू जी का अति प्रमोशन है इनका, उनका पिताजी का नाम शकुनी चौधरी, ये लालू जी का देन है उनके, शकुनी चौधरी का। आज उनके यहाँ चले जाए तो उधर बोले, लेकिन सम्राट चौधरी का लालन पालन लालू जी के वजह से हुआ था। जहाँ समय शकुनी चौधरी मंत्री थे, आरजेडी में था, लालू जी की पार्टी में, आज सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? नीतीश जी क्या बोले थे सभा में? बोल रहे थे परिवार नियोजन पर क्या बात करे, महिला पर क्या बात किए थे? अरे क्या वो लोग बोलेगा से? अब लेकिन नीतीश जी आते हैं तो आप लोग चाचा भतीजा करने लगते हैं, ये तो गलत है। नहीं, आप लोग की तरह आते हैं चाचा भतीजा करते हैं, ये बताइए। चाचा भतीजा तो रिश्ता है भैया, ये कैसे छोड़ देगा आदमी अपना रिश्ता परिवार? फिर अगर मान लीजिए 45 जीते आप, फिर दोनों चाचा भतीजा साथ हो जाएंगे, वो रिश्ता छूटेगा ना? वो तो होगा, लेकिन फिर सरकार में आ जाएंगे ना मान लीजिए फिर। अगर अच्छा, क्या आपको गारंटी है कि अगर वो 40 सीट जीतते हैं तो फिर ऐसे नहीं लेंगे साथ में उनको? देखिए, लोकसभा के बाद फिर नीतीश जी आएंगे यहाँ, उनका तो आचरण है। तो आप लोग अपना भी तो लेते हैं ना, आप लोग तो अपना भी लेते हैं ना? जो गलती करे उनका आचरण है, वो गलत से नहीं कर रहा है। क्या इस पर लालू परिवार अपनाएगा उनको, या तेजस्वी अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, क्या बोलते हैं? एकदम अपना लेगा, लोग अपना लेगा, हम कहते हैं कि अपना लेगा, क्योंकि राजनीति में तो यही होता है।
लोकसभा के बाद नीतीश जी को आना है, ये कहीं डायरी में मेंशन कर लीजिएगा कि कोई दियारा में बोला था राघोपुर में, गारंटी दे रहे हैं कि नीतीश जी को आना है। अब तो बोल रहे हैं मोदी जी का पैर भी छू रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, अब बोल रहे हैं हम साथ रहेंगे। अरे कहने की बात कर रहे, किसी के यहाँ गए तो हम साथ रहेंगे, ऐसा तो सब कोई बोले, जहाँ गए वहाँ साथ रहेंगे। हम भूल किए थे कि उस पार्टी में चले गए, यही ना उनका आवाज है, अंतरात्मा जाग गया। तो चलिए हाँ, एक सवाल ही बता दिए, ठीक है मोदी अच्छा, नहीं सुनिए बताइए ना, ये मोदी जी का आप लाख विरोध कर रहे हैं, एक दो काम कोई होगा जो अच्छा लगा आपको, इतना भी विरोध क्या? हाँ मोदी जी का राघोपुर में कोई काम नहीं भैया, मोदी स्तर पे काम हुआ, देश स्तर पे कुछ काम हुआ नहीं कर रहा है, मोदी जी का क्या काम है? अब सुन लीजिए भैया, देश सुरक्षित हाथों में आया है, पाकिस्तान डर रहा है, देश की बात कर रहा है, आज सबसे पैसा वाला अंबानी है, ठीक है, इस देश में डीएम के कलेक्टर के नौकरी करने वाला उसका महीना लगता है 30 दिन में, 31 दिन में, अंबानी के लिए 28 दिन में, ये आपका नियम है, आपका सरकार है, पैसे वाला का राज है, उसका 28 दिन का महीना है, आप मोबाइल में पैसा। लेकिन मोदी जी भी तो मन से बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले आपका मंगलसूत्र बिछवा देंगे, आपका संपत्ति बेचवा देंगे, ठीक बात है, हम यही बात ना करें जो अभी मौजूदा है, ये अंबानी का महीना लगता है 28 दिन का, क्या किसके लिए राजनीति क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, मतलब मोदी जी का भी काम को पसंद नहीं क्या बात है, कट्टर समर्थक है, मतलब सुनिए फैक्ट्री कारखाना पर पैसे वाला का सरकार है, हम मजदूर के कहाँ है, हम तो पढ़ाई छोड़ दिए, एगो नाव खरीदे थे, वो नाव नदी में नहीं चलने दे रहा है, लोग बालू नहीं काटने दे रहा है, कुछ खेत था वो बेच करके गाड़ी खरीदे है, गाड़ी देखिए यहाँ लगा हुआ है, गाड़ी नहीं चल रहा है रोड पर, कोई नहीं सुरक्षा में है, आप में क्लेम खोज रहा है प्रशासन की, यहाँ हेमलेट नहीं है, ये बेल्ट नहीं लगाए हुए है, पैसा दीजिए, मेरे सुरक्षा में नहीं है, लूटने के लिए सब लोग जान रहा है इस सरकार में, कोई भी प्रशासन क्या लालू सरकार या तीसरी सरकार आएगा तो क्या सब दूर हो जाएगा, ये भी तो सवाल है ना। हाँ हम लोग तो पूरा दूर हो जाएगा, एकदम दूर हो जाएगा, हमारा नाव भी चलेगा, हमारा बालू भी कटेगा, हमारा गाड़ी भी चलेगा, ये गारंटी है उनके आने पर, ये बात तय है। हाँ आना तो सब देखिए रोड में खड़ा है गाड़ी, 2.5 फीट हम बालू लाद के लावेंगे कोइलवर पर, कोइलवर से तो गाड़ी में हमारा खर्चा ड्राइवर और तेल में घाटा लगता है, प्रशासन पैसा लेता है, मतलब प्रशासन पैसा लेता है तब पासिंग देता है, बिना पासिंग के कहीं नहीं गाड़ी जा रहा है, मतलब मोटा पैसा लेता है, आप लोगों को घाटा हो जाता है। हाँ हाँ पूरे घाटा हो रहा है, कोई सुरक्षा में नहीं है भैया, है हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, प्रशासन सुरक्षा में नहीं है, प्रशासन लूट में लगा हुआ है, इनके पास क्या क्लेम है, इनके पास कौन कमी है, घर को दबोच करके 4 लाख रुपया जुर्माना, 4 लाख रुपए जुर्माना ई गाड़ी पर, अगर ओवरलोड कर लिया क्या बोले 10 लाख जुर्माना होता है गाड़ी वाला, प्रशासन 10 लाख रुपए तक जुर्माना ले रहा है, हां देता है लोग 10 लाख जुर्माना लेता है। अच्छा इतना जी, आप क्या बोल रहे हैं कि जो पुलिस है वो जुर्माना लेता है 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए जुर्माना लेता है, 5 लाख रुपए जुर्माना। अच्छा 2000 के बचत गाड़ी पर, गाड़ी में आप बैठिए, चलिए कोइलवर वहाँ से बालू लोड कीजिए, ओवरलोड तो करना नहीं, अंडरलोड करना है तो अंडरलोड में 2.5 फीट ला लेंगे गाड़ी पर, और उसमें तेल और ड्राइवर का खर्चा खुराकी जोड़ लिए 2000 बचेगा, अगर जो एक क्विंटल हम ज्यादा ला दिए तो 4 लाख जुर्माना। आप बोल रहे थे क्या आपके साथ भी ऐसा घटना हुआ है? इधर आ जाइए, ये गाड़ी वाला बता रहे हैं, गाड़ी जो लगा हुआ रहता है, तो क्या आपके साथ भी घटना हुआ है? जी सर घटने घटना है, गाड़ी वाला कितना पैसा लेता है? अरे प्रशासन मनमाना पैसा लेता है प्रशासन के तरह, हम लोग शिकायत नहीं करते, एसपी वगैरह शिकायत नहीं करते हैं, सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, ऊपर से नीचे डबल नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं ना, डबल इंजन का सरकार है, वो चाहता है से करता है, गरीब सब तो गाड़ी या नाव वाला आ कमाए खाने वाला जितना जो है सो सब मर रहा है सर जी, चलेगा सर पेट पर फट चल रहा है, दारू बेच रहा था लोग, 1 लीटर दारू पकड़ाएगा जेल में है सब जाके, जब भर्ती है जेल, शराबबंदी तो बैन है ना, शराबबंदी बैन है तो शराब किसकी वजह से आ रहा है, सीमा कौन पार करता है, बिहार में दारू कैसे आता है, कोनो हम जनता तो नहीं ला रहा है, अगर बिहार के अंदर दारू आ रहा है दूसरे स्टेट से तो कौन भेज रहा है भाई, किसके वजह से आ रहा है बिहार में दारू, सब उसी का कमी है, यहाँ तो पेट चलना है, तो दारू के हम उतार लिए, दारू अगर पकड़ा गया तो हमको जेल, और बड़ा माफिया क्यों नहीं पकड़ाता है, क्यों नहीं पकड़ा रहा है, डेली गाड़ी अधिक आ रहा है, दारू आ रहा है बिहार, छोटा लोग पकड़ा जा रहा है, अब बड़ा लोग बेल ले रहा है, गरीब लोग बड़ा लोग का पकड़ेगा,
जितना जो गरीब कहते हैं हम सारे माफिया को शराब माफिया को जेल में बंद कर देंगे, कौन से शराब ढूंढा जा रहा है? दारूबंदी नहीं है, दारूबंदी नहीं, गरीब के बंदी है, मतलब पूरा जेले भर दी। दारूबंदी नहीं, गरीब बंदी है, सारा गरीब उठा के जेल में बंद कर दिए, माफिया को नहीं पकड़ा? नहीं नहीं, माफिया कहाँ पकड़ाएगा? जो ये शराब बिकता है तो कोई बड़ा शराब माफिया पकड़ा इलाका में कि खाली जो लोकल ले पे बेचता पकड़ाता है? शराब जब पकड़ाता है ना तो थाना पर गाड़ देना चाहिए ना, तो थाना पर तो आदमी से बेच लेता है, थाना पुलिस ही बेचवा लेता है, बेच लेता है खाली छोटा लोग पकड़ाता है। तो 60,000 रुपया दरोगा लिया है। कितना लिया है? 60,000 पीने के लिए जो पुड़िया गाजा रखे हुए था। अच्छा, परसों 60,000 लिया है। थाना पैसा ले रहा है? थाना पैसा हो गया, नियम कानून गाजा में छूट गया। छूट गया मतलब पैसा तो छूट गया। तब गाजा नहीं आप बेच रहे हैं, दारू नहीं बेच रहे, आपको पैसा मिला तो ना। कानून ठीक है लेकिन सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो बड़ा माफिया हो चाहे छोटे लेवल पे हो, है ना? यही कह रहे हैं। इसके लिए नहीं है, बड़ा पैसा वालों के लिए नहीं, गरीब के लिए। रोज बिहार में दारू आ रहा है, कोई हम झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है? दारू आ रहा है, हर अति से आ रहा है, गेट से आ रहा है। तो चलिए ठीक है, हम राघोपुर प्रखंड की कौन सा पंचायत बोले आप? तिरसिया जो है पंचायत में, यहाँ के पूर्व मुखिया है, यहाँ के लोगों से बात की और कहा कि प्रशासन जो है अपनी मनमानी पे उतर आया है, चाहे वो बड़ा सारा माफिया उन्हें पकड़ाता है, जो लोकल लेवल पे बेचते हैं उनसे पैसा लेके छोड़ देते हैं, पैसा नहीं देता है, तो गरीब बंदी हो गया, सारा बंदी नहीं है। एक शख्स ने कहा कि ये गरीब बंदी है, सारे गरीबों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया और बड़ा माफिया जो है उसको छोड़ दिया जाता है। देखते रहिए वेब समाचार, बहुत बहुत धन्यवाद।